मॉर्निंग गाइस। सो आज 25 दिसंबर है एंड अभी हम लोग सुबह जा रहे हैं हमारे गांव में जहां पर हमारे कुलदेवी है वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है एंड खुशी के मौके पे हमें अभी भगवान का आशीर्वाद ना ले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी चाहते हैं दिखाता हूँ आपको, मेरा गाँव भी दिखाता हूँ एंड क्या प्रोसीजर है, क्या खुशी का मौका है वो भी दिखाता हूँ और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बात करते आगे। आने से पहले पापा का ये फेवरेट चीज़ है कि पूरी गाड़ी अच्छे से साफ करेंगे। ये उनका फेवरेट काम है। हाय हेलो अभी जी, ये जो गामड़े रसंग हम लोग जहाँ पर चाय पीते हैं वो मैं आपको होटल दिखाता हूँ। हम लोग दो जगह पे जनरली चाय पीते हैं, जब पूरे सारा फैमिली इकट्ठा हुआ होता है तो हम लोग दूसरी जगह पे पीते हैं, बट हम लोग जब अकेले चार लोग आते हैं मम्मी पापा और मैं और सिस्टर तो यहाँ पर चाय पीते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो होटल है होटल जनपद करके है, यहाँ पर हम जब चार लोग आते हैं वहाँ पर चाय पीते हैं। और जब पूरा फैमिली इकट्ठा होता है, जब गाँव के कोई भी फंक्शन होता है तो ये शंकुश वाटर पार्क है, तो ये बहुत ही फेमस वाटर पार्क है यहाँ पर मेहसाना के अंदर। और हम लोग छोटे थे तब यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर ये जो फूड कोर्ट है वहाँ पर हम लोग चाय पीते थे। और यहाँ फाइनली गांव में आगमन हो गया है। और यहाँ पर क्यों आया है तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जैसे कि मैंने बोला था तो फाइनली मैंने मेरे कनाडा के लिए अप्लाई किया था वीज़ा के लिए एंड मेरा स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल हो गया है। तो माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही ज़रूरी है कि उनका आशीर्वाद रहे, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहे, तो इसके लिए यहाँ पर आए हुए। की जगह है हमारे फैमिली मेंबर्स के अंदर, इसके अलग अलग हिस्से हैं, पता नहीं क्या है, बट इन शॉर्ट इतना पता है कि ये हमारी जगह है। जो जगह है पीछे वो एक्चुअली मठ के एग्जैक्ट बाजू में है। तो यहाँ पर जब हम लोग नवरात्रि में आते हैं, जब हमारा निवेद होता है तो जो हमारे फैमिली के अंदर जितने भी जेंट्स हैं वो सब इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर निवेद होता है, तो यहाँ पर ही सब कुछ बनाते हैं। बट ये अभी पता नहीं खंडर ऐसा हो गया तो इसको साफ़ सफाई करके पूरा करते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे से बैठने की जगह हो और अंदर पूजा पाठ होता रहता है। तो शाम को यहाँ पर हम लोग निवेद ऐसे प्रसाद खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर खाना। और अगर सेम चीज़ घर पर बनाए तो वो स्वाद नहीं आता, बोलते हैं ना कि गाँव के अंदर चूल्हे के अंदर बनाई हुई चीज़। एकदम मजबूत पुराने जमाने का दरवाजा, और ये जो मंदिर है वो रिसेंटली बना हुआ है 5-6 सालों के अंदर। और यहाँ पर जो ये जो मंदिर है वो एकदम गांव के बीचों बीच बना हुआ है, जो चौरा बोलते हैं गांव का।
सो फाइनली दोपहर तक हम लोग दर्शन करके आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो सो गए थे सब लोग। तो अभी फाइनली उठा हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, घर पे किसी को खाने की इच्छा है नहीं, तो मैं सोचा खुद ही बना लेता हूँ अपने लिए। और अभी मैं बना रहा हूँ किसी परोठे, तो अभी बाहर जा रहे हैं कंट्री में, तो खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा, तो वही अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। थोड़ा बहुत पराठा और रोटी बनाना आ गया है, आपको भी थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि कैसे बना लेता हूँ।